तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ राज गौरव और आज हम और भाई घूमने के लिए जा रहे हैं तारापीठ मंदिर, जो कि दुमका से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग दुमका जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से छोटानाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा घूम लेंगे, खाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। फिर करीब 6 बजे शाम में निकलेंगे हम लोग तारापीठ मंदिर के लिए और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हम लोग सब दोस्त लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। हम और भाई अभी ओमनी से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, पुष्पा वाला गाड़ी है हम लोग के पास। अगर आप लोगों को नेचर से प्यार है तो आप लोग सबसे पहले झारखंड आइए। झारखंड में इतना खूबसूरत आपको जगह मिल जाएगा। जैसे कि रांची जाते हैं तब पहाड़ मिलता है, उसी तरह यहाँ पे दुमका आप जब भी आइएगा तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग छोटानाथ का मेन गेट पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि छोटानाथ का मेन गेट कहाँ पे है और किधर से हम लोग अंदर घुसेंगे, वो आप लोग अभी देखिए। तो ये है छोटानाथ मंदिर का मेन गेट, देख सकते हैं श्री श्री 108 बाबा छोटानाथ लिखा हुआ है। यहाँ से छोटानाथ मंदिर जाने के लिए आप लोगों को काफ़ी अच्छा रास्ता मिल जाएगा और वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था है। छोटानाथ मंदिर का मैं पूरा वीडियो बनाया हुआ हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर छोटानाथ मंदिर में पूजा होता है। जो भी यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो जरूर से ज़रूर पूरा होता है। और यहाँ पे जो बलि होता है, उस बलि को, मतलब जो भी बकरा का बलि होता है उसको यहीं पे खाना पड़ता है, आप इसको घर नहीं ले जा सकते। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे छावनी बनाई गया है जहाँ पे बैठ के लोग खाते हैं यहीं पे, और घर तो नहीं ले जा सकते हैं यहाँ का। तो आप लोग देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है, इधर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये। तो इस वक्त हम लोग छोटानाथ मंदिर का गेट तक, मंदिर तक पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ गाड़ी लगा हुआ है। पार्किंग इधर रोड साइड में ही है, अंदर भी बहुत बड़ा पार्किंग है पर इधर रोड साइड में भी लोग लगा देते हैं गाड़ी, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग ऐसा छावनी बनाया हुआ है खाने के लिए जहाँ पर आप अपना खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। यहाँ पर अपना बकरा बलि देने के बाद आप खुद भी काट सकते हैं या यहाँ कटवाने के लिए, मतलब कटवा भी सकते हैं पैसा दे के। आप लोग देख सकते हैं, और ये जो मंदिर यहाँ आपको जो घर दिख रहा है यहाँ पे आपको प्रसादी मिल जाएगा। और ये है मंदिर, तो आप लोग देख सकते हैं इधर नाश्ता के लिए सब दुकान मिल जाएगा आप लोगों को। और ये लोग पैसा देके आपका बकरा को काट देते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ फोर व्हीलर वगैरह लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, आज संडे है तो इस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। आज सैटरडे है, आज सॉरी सर, तो सैटरडे और संडे भीड़ रहता है बहुत ही ज़्यादा, वीकेंड में भीड़ रहता है यहाँ पर। देख सकते हैं ये सब में नाश्ता दुकान है। और आपको इधर राइट साइड शिव मंदिर मिल जाएगा, शिव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है भी, जहाँ पर हम लोग का बकरा का बलि हुआ है जिसको वहाँ पर यहाँ पर बनाया गया, वहीं पर हम लोग का इन्विटेशन है, तो वहीं हम लोग अभी जा रहे हैं दीदी के यहाँ। यहाँ देख सकते हैं इधर लोकल लोग भी ऑटो से आ जाते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसी तरह का यहाँ छवनी में है, 200, 300, 400, 500 जिसी तरह का आप लीजिएगा। पक्का मकान भी है, आप जहाँ पे जिस तरह का आप व्यवस्था लेना चाहें उस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे, देख सकते हैं। यही सब जगह पे आप अपना जगह रेंट पे ले सकते हैं पूरा दिन के लिए, 200-300 जैसे आप बात करके ले सकते हैं, और यहाँ अपना बकरा को बलि करके बना सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये लोग, मेरा भतीजा है दोनों, और ये इस तरह का पक्का वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अरे भाड़ा में ले सकते हैं, 500-600 रुपया लेता है, जहाँ पे आप अपना खाना बना सकते हैं और यहीं पे खा सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग छोटानाथ मंदिर से निकल चुके हैं और दुमका पहुँचने वाले हैं। ये है विजयपुर, राष्ट्रीय नदी का पुल है, और इसके बाद दुमका भी पहुँचेंगे, सब दोस्त लोग साथ में मिलेंगे, उसके बाद से निकलेंगे तारापीठ के लिए। चुका है ये दुमका का टावर चौक, देख सकते हैं कितना विशाल टावर है। हाँ, कितना विशाल टावर है, और इसमें घड़ी बना हुआ है लेकिन घड़ी सा चलता नहीं है, अभी घड़ा ही नहीं है, घड़ी में 5 बज रहा है इस वक्त। और यहाँ पे ये अंग्रेजों का जमाने का घड़ी है, अंग्रेजों का जमाने का घड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं टीन बाजार की तरफ, वहाँ एक दोस्त रहता है उसको लेंगे, फिर दूसरा सारा दोस्त लोग को उठाएंगे और निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक बार निकलने के बाद। उस वक्त हम लोग निकल चुके हैं पूरा ग्रुप, ये प्रदीप जी, ये रेशम सर दुमका से, और ये सिंटू भाई, और आगे अमन और भाई बैठे हुए हैं। तारापीठ जा रहे हैं हम लोग, फार्मेसिया तरफ से। के प्रेम से जय माता रा, जय माता रा, जय जय तारा, जय जय तारा, दुख ले ले हम लोग का सारा।
तो इस वक्त हम लोग तारापेट पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तारापेट का मेन गेट है और सारा दोस्त लोग अभी सेल्फी ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं लोग, हम लोग तारापेट का मार्केट में है इस वक्त। कितना खूबसूरत है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का मार्केट जो है बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग शाम के टाइम यहाँ घूमने के लिए भी निकलिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आइएगा तो शाम के टाइम ही आइए, यहाँ पे स्टे कीजिए एक दिन रात में और सुबह लाइन में लग जाइए, ताकि आपको भीड़ में लाइन में ज़्यादा लगना भी ना पड़े और यहाँ का शाम का नज़ारा भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का होटल वाला कमरा, थोड़ा पुराना ज़माना वाला आपको फील होगा। यहाँ ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूम है कि पुराना टाइप सा लग रहा है लेकिन अच्छा है। और बालकोनी का व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ का। सामने का व्यू आप लोगों को दिखा रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं सामने का व्यू कितना खूबसूरत है। तो ये मंदिर के सामने ही होटल है, 1500 रुपये में हम लोग 6 जन रह रहे हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा महंगा रूम भी नहीं है, आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं व्यू कितना खूबसूरत है। तो इस वक्त हम लोग अभी तारापेट का मार्केट में है और कुछ खाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहा कि आप लोग यहाँ पे मटन चिकन वगैरह ले सकते हैं और यहीं पे आप लोग बनवा सकते हैं। तो देख सकते हैं मटन कुछ भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इन लोगों को बस बनवा सकते हैं, 120 रुपये करके बनाने का लेता है चार्ज, देख सकते हैं। यही अच्छा रहेगा कि आप ऐसे बनवाइए, अगर चिकन मटन खाना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, सस्ता भी पड़ेगा। कहीं बाहर खाइए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और रोटी 5 रुपये पीस और चिकन बनवा लीजिए, इतना पड़ेगा। देख अभी हम लोग चिकन लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि फेमस यहाँ पे एक मीठा मिलता है, ये मीठा है, तो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं। तो सुना है कि मैंने यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही टेस्टी रहता है, तो अभी खा के देखते हैं। इसको कहते हैं लिंगचा, तो अभी यही खाएँगे, उसके बाद यहाँ से चिकन लेंगे और वहीं बनवाएंगे, कहीं पे देखेंगे। कैसे बात हुआ है कि 120 रुपये करके लेगा, तो देख सकते हैं ऐसे ही लोग चिकन वगैरह काट रहा है, मटन चिकन जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, देसी वाला चिकन भी है और पोल्ट्री चिकन भी है। तो अभी हम लोग सब ये मीठा ले चुके हैं, सब खा रहे हैं। बताइए टेस्ट कैसा है? गरम गरम है तो बढ़िया। तो सर कैसा लग रहा है बताइए? यहाँ पे आपको हर जगह इस तरह का किचन मिल जाएगा, जहाँ पे आप खुद भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। 120 रुपये करके चार्ज लेगा और 5 रुपये पीस रोटी है, चिकन मटन वगैरह सब बनवा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी होटल सुरुचि में आए हुए हैं और यहाँ पे चिकन तंदूरी देखा, तो अभी सब लोग चिकन तंदूरी के लिए बोल रहा था, तो अभी हम लोग एक फुल बनवाने के लिए दिए हैं जिसका कीमत है 400 रुपये। तो अभी इस वक्त हम लोग जो चिकन लाए थे वो बनाने के लिए यहाँ पर दिए थे, लोग देख सकते हैं, तो वो अभी बन चुका। और आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी तारापीठ में कल हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे वहाँ को वीडियो आप लोगों को कल दिखाएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।